हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 11 गणित के अंतर्गत आज हम लोग एक्सरसाइज 15 की विविध प्रश्नावली को देखने वाले हैं। चैप्टर 15 सांख्यिकी स्टैटिक्स की एक्सरसाइज आपकी जो चौथी है यानी विविध प्रश्नावली, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। पुराने वीडियो देखने के लिए कक्षा 11 की प्लेलिस्ट आपको आई बटन पर मिल जाएगी, फ्लैश हो रही होगी, जहां से आप पुराने वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे विविध प्रश्नावली की, चैप्टर नंबर 15 की। विविध उदाहरण की बात करते हैं, ठीक है। और उदाहरण नंबर 16 अपन को कह रहा है कि 20 प्रेक्षणों का प्रसरण 5 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया गया हो तो प्राप्त प्रेक्षण का प्रसरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसको समझो इस प्रकार से कि भाई कुल प्रेक्षण कितने दिए हैं, कुल पद अपन को 20 दिए हैं। कुल प्रेक्षण का मतलब कुल पद अपन को 20 दिए हैं, इनका मान 20 हो गया। प्रसरण का मान दिया है 5, तो प्रसरण के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपको पता रखा भाई, कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन बराबर 5, ठीक है। तो यहां से आपने निकाला कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर बराबर एन का मान कितना रखना था अपन को, 20। एन का मान रखना था 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा, गुणा कर दोगे, कैची गुणा करोगे तो 20 पंचे 100 आ जाएगा, तो यहां अपन ले रहे हैं 100, ठीक है। अच्छा एक चीज समझो, अभी सवाल आपसे कह रहा था कि इसमें अपन ने प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया गया, प्रत्येक प्रेक्षण को आप लिख रहे हो, चूंकि प्रेक्षण को 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, तो यहां से आप कह सकते हैं नया प्रेक्षण कह लो या परिणामी प्रेक्षण कह लो, ठीक है, एक ही बात है। नया प्रेक्षण तो आप इसको y मान लो, तो y बराबर कितना हो गया 2x, क्योंकि प्रत्येक में 2 का गुणा किया, और यहां पर पहले वाले को अपन x ले रहे थे, पहले वाले के लिए x लिया, और नया जो निकल के आया 2 का गुणा करने के बाद उसको अपन ने y ले लिया, तो नया प्रेक्षण के लिए y बराबर 2x। इस बात को आपको याद रखना है कि अगर कुछ भी प्रेक्षण में यानी कि पद में अपन कुछ भी परिवर्तन करते हैं, वही परिवर्तन माध्य में होता है। क्या ध्यान रखना है कि कुछ भी परिवर्तन अगर आप पदों में करोगे, संख्या में करोगे, तो वही परिवर्तन उसके माध्य में यानी कि मीन में हो जाएगा। जैसे कि मान लो अगर लिखा है 1, 2, 3, तो इसका जो मीन है वो कितना आ रहा है, जो एक्स बार है मीन यानी कि माध्य, वो कितना आएगा, 2 आएगा। अब अगर आपने 2 का गुणा कर दिया हर एक में, इस पूरे में कितने का, 2 का गुणा कर दिया, तो यहां मिलेगा 2, यहां मिलेगा 4, यहां पर मिलेगा 6, तो अब यहां से जो एक्स बार आएगा यानी कि माध्य आएगा वो हो जाएगा 4। बात समझ में आई? तो कोई भी परिवर्तन करोगे तो वो जो परिवर्तन होगा वो डायरेक्ट आपके उसके माध्य में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो कि इसलिए नया माध्य y बार ले लिया अपन ने, y बार कितना हो जाएगा, ये कहलाएगा 2x बार, ठीक है, ये कहलाएगा 2x बार। तो यहां से आप कह सकते हो कि प्रसरण, नया प्रसरण की पूछ रहा ना, प्राप्त प्रेक्षण का प्रसरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो भाई कि अतः प्राप्त नए प्रेक्षणों का प्रसरण। तो यहां पर आप क्या लगा रहे हो भाई, यहां पर आप देख रहे हो कि सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन एन। अच्छा यहां पर अपन वैल्यू रखेंगे, 1/n को बाहर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा सिग्मा y के स्थान पर अपन क्या रख रहे हैं, y के स्थान पर अपन रख रहे हैं 2x, ठीक है, और माइनस यहां पर y बार के स्थान पर अपन रख रहे हैं 2x, ठीक है, 2x बार इसका होल स्क्वायर। तो यहां से अपन कह सकते हैं 1/n और सिग्मा, यहां से वैल्यू कितनी निकल रही है, 2 कॉमन निकालते हैं अगर आप, तो ये अंदर बच रहा है x माइनस एक्स बार स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हो भाई कि 1/n और 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 ले सकते हो, तो इसको बोल रहे हो सिग्मा 4 और x माइनस एक्स बार स्क्वायर, 4 को बाहर निकाल लो, इसको लिख सकते हो 1/20, n की वैल्यू 20 थी, 4 को बाहर निकाल लिया गुणे 4, तो ये हो रहा है सिग्मा और x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। अच्छा x माइनस एक्स बार स्क्वायर कितना था भाई, यहां पर आप देखो ये 100 थी वैल्यू, तो यहां पर आपने 100 रख दिया, ठीक है, 100 रख दोगे तो 1/20 × 4, और इसकी जगह सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की जगह रख रहे हो 100, तो गुणे 100,
तो ये हो जाएगा 400/20, ठीक है, 400/20 तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 और 20 आ जाएगा, ठीक है। तो आता है नया प्रेक्ष आता है नया प्रसरण आता है नए प्रेक्षणों का, नए प्रेक्षणों का प्रसरण 20 है, नए प्रेक्षणों का प्रसरण। तो उदाहरण नंबर 16 से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो भाई कि यदि प्रत्येक प्रेक्षण का k से गुणा किया जाए तो नए प्रेक्षण का प्रसरण पूर्व प्रसरण का k स्क्वायर गुणा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे थे कि उदाहरण नंबर 16 में अपन ने नए प्रेक्षण का प्रसरण 20 निकाला, पुराने प्रेक्षण का पुराने जो प्रेक्षण था उनका प्रसरण कितना था, 5 था, ठीक है। और 2 का गुणा कर रहे थे, 2 का गुणा करने का मतलब नए प्रसरण क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई करके, यानी 4 मल्टीप्लाई 5 यानी 20। तो वही चीज यहां पर आपको कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कि यदि प्रत्येक प्रेक्षण का के से गुणा किया जाए तो नए प्रेक्षण का प्रसरण पूर्व प्रसरण का के स्क्वायर गुणा हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। चलिए उदाहरण नंबर 17 देखते हैं। कह रहा भाई 5 प्रेक्षण का माध्य 4.4 है तथा उनका प्रसरण 8.24 है, यदि 3 प्रेक्षण 1, 2 तथा 6 हैं तो अन्य 2 प्रेक्षण ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या, आपको 5 पद कह रहा है, ठीक है, जिसमें से 3 पद उसने 1, 2, 6 दे दिए, 2 पद आपको निकालने के लिए कह रहा है और बाकी चीजें दे दी उसने, माध्य दे दिया और प्रसरण दे दिया। तो यहां पर अपन शेष 2 प्रेक्षण माना, शेष दो प्रेक्षण यानी कि शेष दो पद एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स और वाई है, शेष दो प्रेक्षण अपन ने ये मान ली। तो श्रृंखला क्या बन जाएगी भाई, सीरीज अगर मैं बात करूं श्रृंखला की, तो श्रृंखला आप कहोगे 1, 2, 6 एक्स और वाई। आपको माध्य दे रखा है भाई क्वेश्चन में, माध्य एक्स बार, एक्स बार कितना होगा, आपको दे रखा है 4.4, ठीक है, माध्य दे रखा है 4.4। माध्य का मतलब क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पद, यानी सबको जोड़ लो, 1+2+6 प्लस एक्स प्लस वाई, कुल पद है 5 बराबर 4.4। तो 1, 2, 6 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स प्लस वाई, और 5 का गुणा कर रहे हैं 4.4 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 22, ठीक है, क्योंकि दशमलव लगा है, 220 होगा, 1 दशमलव से 0 हट जाएगा तो 22 आ जाएगा, 9 वहां घटा रहे हो तो x प्लस वाई बराबर बाईस माइनस 9, तो यहां से आप कह रहे हो x प्लस वाई बराबर 13, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 13, y का मान निकाल लो 13 माइनस x, ठीक है, 13 माइनस x, इसको बोल लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर आगे आपको प्रसरण दे रहा था सिग्मा स्क्वायर, ठीक है भाई, प्रसरण सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी थी क्वेश्चन में 8.24। तो सिग्मा स्क्वायर होता क्या सूत्र भाई, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन बराबर 8.24, ये होता है। अच्छा यहां पर ध्यान दो, x माइनस एक्स बार कह रहा है ना, क्या कह रहा अपन को, x माइनस एक्स बार। तो अगर मैं बात करूं सारी वैल्यूज की, अगर मैं बात करता x की, तो x के मान अपन अपने पास क्या क्या है, x के अगर मैं मान कहूं, x के मान है 1, 2, 6 x और y। फिर अपन को इसमें निकालेंगे x माइनस वाई, ठीक है, क्या निकालना है अपन को, x माइनस एक्स बार, सॉरी x माइनस एक्स बार की अगर हम बात करें, x माइनस एक्स बार निकालें, तो x में x बार घटाते जाओगे, x बार कितना था, 4.4 था, ठीक है, समझना बात को, तो 1 माइनस 4.4 करेंगे तो ये निकलेगा माइनस का 3.4, ठीक है ना। फिर अपन 2 माइनस 4.4 करेंगे तो निकलेगा माइनस का 2.4, फिर 6 माइनस 4.4 करेंगे तो निकलेगा 1.6। अच्छा यहां से बनेगा ये x माइनस 4.4 और यहां से बनेगा y माइनस 4.4। फिर इसका होल स्क्वायर करने के लिए कह रहा था, तो यहां पर अपन होल स्क्वायर करते चलेंगे, यहां पर होल स्क्वायर करने के लिए कह रहा था, तो प्रत्येक का वर्ग कर लोगे, प्रत्येक का वर्ग कर लोगे, समझ रहे हो बात मेरी, इस प्रकार से, ठीक है, हर एक का वर्ग कर लोगे यहां पर, ठीक है। तो अब यहां पर आपको जो सूत्र है सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, उसकी जगह क्या रखोगे, उसकी जगह ये सारी चीजें जोड़ के लिख दोगे, है ना, ये सब कुछ अपन जोड़ के लिख सकते हैं, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो यहां से वैल्यू क्या रख रहे हो, इसकी जगह सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, इसकी जगह अपन रख सकते हैं भाई ये माइनस 3.4 का वर्ग प्लस फिर माइनस 2.4 का वर्ग प्लस
1.6 का वर्ग और प्लस एक्स माइनस 4.4 का वर्ग प्लस वाई माइनस 4.4 का वर्ग और टोटल का बटे था ये 5 बराबर था 8.24 इतना था। अच्छा 5 बटे में उस सब ले जाएंगे तो गुणा कर देंगे, 3.4 का वर्ग होता है आपका 11.56 ठीक है, तो यहां से मिलेगा 11.56 प्लस 24 का वर्ग 576 होता है तो ये हो जाएगा 5.76, 16 का 256 होता है ये हो जाएगा 2.56। अच्छा यहां पर अपन कर रहे हो प्लस, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो यहां से कितना निकाल लोगे एक्स स्क्वायर और प्लस अच्छा 4.4 का 44 का आपका वर्ग हो जाएगा 1936 है ना, 1936 होता है ठीक है और 4.4 है तो ऐसा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करना है, माइनस का 2×4.4×x भाई यही बनेगा ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपन ने कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आगे क्या कह रहा, ए यहां पर कर रहे हो तो ये वाई स्क्वायर प्लस और 4.4 का आप कर रहे हो 19.36 और माइनस 2×4.4×y और बराबर 5 का गुणा करना था अपन को ठीक है, 5 का यहां पर गुणा कर देंगे 8.24 × 5 इस प्रकार से लेंगे ठीक है ना, ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा यहां पर ये हो रहा है 11.56 प्लस 5.76 प्लस 2.56 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 19.36 माइनस ये हो जाएगा 8.8x और यहां पर आप ले रहे हो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 19.36 माइनस 8.8y बराबर 5 का गुणा कर लेंगे तो ये निकल के आ रहा है 41.20 ठीक है ना, 41.20 ही निकलेगा ठीक है अच्छी बात है। अरे यहां से इसको जोड़ लेंगे यहां से ये सब टोटल, तो एक काम और कर सकते हैं यहां पर आप देख रहे हो माइनस का 8.8x है और माइनस का 8.8y है ठीक है, तो यहां से 8.8 कॉमन निकल जाएगा, इसके अलावा 11.56 5.76 2.56 19.36 और ये 19.36 इन सबको जोड़ लो तो ये जोड़ने पर आपको मिल जाएगा 58.6 ठीक है, तो यहां पर अपन ने 58.6 लिखा। अच्छा यहां से आप देख रहे हो ये माइनस का 8.8 कॉमन निकाल रहे थे ठीक है, तो यहां पर माइनस का 8.8 कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस का 8.8 कॉमन निकाला अंदर बचा एक्स प्लस वाई और यहां पर अभी बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बच गया प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 41.20। अच्छा यहां पर अपन रख रहे हैं 58.6 माइनस 8.8 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू अपन रख सकते हैं 13 ठीक है, एक्स प्लस वाई का मान कितना रख देंगे यहां पर गुणे 13 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41.20। अरे 13 का गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा 58.6 माइनस 13×65 63×63 104 है ना, 63×104 तो ये 4 आएगा यहां से लगी 10 और 63×104 और 10×114 ठीक है 114 ये तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41.20 इतना निकल आएगा ठीक है। अच्छा तो ये चीज को पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41.20 माइनस का 58.6 प्लस का 114.4, तो यहां से आपको हल करने के बाद मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भाई इनको जोड़ लोगे 41.20 और 114.4 को जोड़ लोगे और 58.6 से घटा दोगे तो ये टोटल वैल्यू निकल के आ रही है 97। अब यहां पर आप y का मान रख सकते हो, देखो समीकरण एक से यहां पर अपन ने समीकरण एक से y का मान निकाला था y बराबर 13-x तो यहां पर रख देते हैं ठीक है, समीकरण एक से कितना था y बराबर 13-x यहां पर वैल्यू रख दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 13-x का होल स्क्वायर बराबर 97 ठीक है, तो पहले यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर ये ले रहे हो, यहाँ पर कितना भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2ab नहीं 2×13×x बराबर 97
एक्स स्क्वायर प्लस 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26 एक्स बराबर 97। अच्छा ये आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 26x प्लस 169 माइनस का 97 बराबर 0। तो ये 2x स्क्वायर माइनस का 26x प्लस, अच्छा 97 घटाते हैं तो एक काम करो पहले 100 घटा लो तो 69 बचेगा और 3 जोड़ देंगे तो 72 हो जाएगा, तो प्लस का 72 बचेगा बराबर 0। दो कॉमन निकाल रहे हो तो दो कॉमन निकालने के बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 36 दूनी 72 होता है तो बचेगा 36। दो का भाग कर दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 36 बराबर 0। अच्छा 9 चौको 36 और 9 चार 13 तो यहाँ से 9 और 4 में टूट जाएगा यानी 9x माइनस का 4x प्लस का 36 बराबर 0। x कॉमन निकालोगे तो x माइनस 9 माइनस का 4 कॉमन निकालोगे तो x माइनस का 9 बराबर 0। तो यहाँ आप ले रहे हो x माइनस 9 x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से आप कह सकते हो भाई कि x माइनस 9 बराबर 0 यानी कि x बराबर 9 आ गया, x बराबर 9 आ गया। फिर x माइनस 4 बराबर 0 तो यहाँ से आप कह रहे हो भाई x बराबर 4 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से आप क्या कह सकते हो, जब x बराबर 9 तो y बराबर कितना था 13 माइनस एक्स यानी y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9 यानी y बराबर कह रहे हो 4, ठीक है। और जब जब x बराबर 4 तो y बराबर 13 माइनस एक्स, y बराबर 13 माइनस 4 तो y की वैल्यू 9, ठीक है। तो यहां से आप क्या बता सकते हो कि अतः शेष दो प्रेक्षण, अतः शेष दो प्रेक्षण 4 और 13 है, 4 और 9 है। उदाहरण नंबर 18 आपको कह रहा है इस प्रकार से कि यदि प्रत्येक प्रेक्षण x1, x2, xn को a से बढ़ाया जाए जहां a एक ऋणात्मक या धनात्मक संख्या है तो दिखाइए कि प्रसरण अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। तो जैसे अपन ने उदाहरण नंबर 16 लगाया था सेम यही सवाल है, उसी की तरह करना है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहां पर अपन ने मान लिया कि माना माध्य, माना एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन का माध्य, ठीक है। इसका अपन ने माध्य मान लिया एक्स बार, ठीक है। अब यहां पर और प्रसरण हो गया, प्रसरण की बात कर रहा कि नहीं भाई, प्रसरण प्रसरण क्या कहोगे, सिग्मा वन मान लो, ठीक है, क्योंकि अपन कुछ उसमें जोड़ रहे घटा रहे तो उससे कुछ परिवर्तन होगा, तो एक को पुराने वाले को सिग्मा वन मान लेते हैं और जो नया आएगा उसको सिग्मा टू कह देंगे, ठीक है। तो यहां पर अपन ने कह दिया भाई प्रसरण के लिए सिग्मा वन स्क्वायर, सिग्मा वन स्क्वायर कितना भाई, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, ये हो जाता है फॉर्मूला। अभी क्या हो रहा, प्रत्येक प्रेक्षण में ए जोड़ दिया, अपन अब लेके जाते हैं जोड़ने की बात, ठीक है। यदि यदि प्रत्येक प्रेक्षण में, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में ए जोड़ देते हैं, ए जोड़ देते हैं तो नया प्रेक्षण, जैसे उदाहरण नंबर 16 में किया था ना वैसे ही करना है बिल्कुल, नया प्रेक्षण, नया प्रेक्षण क्या हो जाएगा, y बराबर ले लोगे x प्लस a और नया माध्य, नया माध्य, नया माध्य आप कह रहे हो y बार बराबर x बार प्लस a, ठीक है। ये सेम वही चीज है कि अगर आप पद में यानी कि संख्या में प्रेक्षण में पद में कोई भी परिवर्तन करते हैं, जोड़ते हैं घटाते हैं गुणा करते हैं भाग करते हैं तो वो सीधा परिवर्तन उसके माध्य में होता है यानी x बार में होता है। अगर आपने कुछ भी जोड़ा तो वो सेम परिवर्तन उसके माध्य में होगा, घटाने पर सेम परिवर्तन उसके माध्य में होगा, सेम गुणा और भाग के लिए होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर आप कहोगे नया प्रसरण, इसीलिए नया प्रसरण, ठीक है। तो नया प्रसरण आपने बोल दिया सिग्मा टू और सिग्मा टू स्क्वायर बोल रहे हो, ठीक है, प्रसरण के लिए सिग्मा टू बोल दो, सिग्मा टू स्क्वायर। तो नया प्रसरण क्या हो जाएगा भाई, आपको फॉर्मूला बनाओगे सिग्मा वाई के लिए, सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। तो यहां से आप कह रहे हो भाई सिग्मा और y की जगह क्या रख दोगे, y की जगह रख रहे हो x प्लस a माइनस y बार की जगह रख रहे हो x बार प्लस a, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। अच्छा माइनस के अंदर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा x प्लस a माइनस x बार माइनस a
और होल स्क्वायर अपॉन एन। आप यहां पर देख पा रहे हो कि प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। और ये चीज क्या थी भाई, ध्यान से देखो भाई, ये पुरानी वाला फॉर्मूला था कि नहीं? देखो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, तो ये पुराना वाला फॉर्मूला था जिसको अपन सिग्मा वन स्क्वायर कह रहे थे। तो क्या हुआ, इसको अपन लिख सकते हैं सिग्मा वन स्क्वायर। तो आपने देखा कि अगर हम प्रेक्षण में कुछ भी जोड़े, अगर घटाने के लिए भी करो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अगर कुछ भी जोड़ें और घटाएं तो उससे उसके प्रसरण में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यही अपन को सिद्ध करना था, तो यही अपन ने सिद्ध करके दिखा दिया कि जो नया प्रसरण होगा वो पुराने वाले प्रसरण के बराबर होगा। तो यहां से आप लिख सकते हो भाई कि अतः नए प्रेक्षण का प्रसरण वही है जो मूल प्रेक्षण का प्रसरण था, ठीक है? और कंक्लूजन क्या निकाला अपन ने, निष्कर्ष क्या निकाला कि अतः स्पष्ट है कि प्रेक्षणों के किसी समूह में प्रत्येक प्रेक्षण में कोई एक संख्या जोड़ने अथवा घटाने पर प्रसरण अपरिवर्तित रहता है। ये आपका निष्कर्ष हो गया, ठीक है ना, कि अगर हम किसी पद में कोई परिवर्तन करते हैं, जोड़ते हैं घटाते हैं, तो उसके प्रसरण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है? उदाहरण नंबर 19 की बात करते हैं। एक विद्यार्थी ने 100 प्रेक्षणों का माध्य 40 और मानक विचलन 5.1 ज्ञात किया, ठीक है? जबकि उसने गलती से प्रेक्षण 40 के स्थान पर 50 ले लिया था। सही माध्य और मानक विचलन क्या है, ठीक है? तो पहले अपन बात करते हैं भाई सही माध्य कैसे निकालेंगे, समझना बात को। तो सही माध्य होगा, आपको ये पता है भाई माध्य क्या, ये फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, यानी सभी पदों का योग बटे सभी पद। ये होता कि नहीं, यानी आप माध्य के लिए फॉर्मूला बना रहे हो योग बटे संख्या। तो यहां से योग के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर हम कैची गुणा करते हैं तो आप योग के लिए कह दोगे योग बराबर क्या, माध्य गुणे संख्या, ये कह दोगे, ठीक है, माध्य गुणे संख्या। अब आपको सही माध्य ज्ञात करना है, तो योग के लिए लगाओगे, यानी कि सही योग, बात को समझिएगा, सही योग बराबर आप कहोगे गलत योग, गलत योग। और स्टूडेंट ने क्या किया भाई, विद्यार्थी ने 40 के स्थान पर 50 ले लिया था, यानी 50 ले लिया, लेना था 40 उसको। इसका मतलब क्या कि 50 गलत है, तो 50 जाएगा तभी तो 40 आएगा, नहीं समझे? 50 ले लिया, लेना था 40, तो 50 को हटाओ। 50 हटाने का मतलब क्या कि गलत योग में 50 कम किया और 40 को जोड़ दिया, ठीक है? अब यहां पर योग के लिए फॉर्मूला क्या बनाओगे भाई, सही माध्य गुणे संख्या, सही माध्य गुणे संख्या। भाई योग के लिए फॉर्मूला यही बना रहे हो कि नहीं, माध्य गुणे संख्या। तो आपने कहा कि सही माध्य गुणे संख्या, फिर आप यहां से कह दोगे गलत योग के लिए भाई कि गलत माध्य गुणे संख्या, गलत माध्य गुणे संख्या, गलत माध्य गुणे संख्या माइनस 50 प्लस 40। तो अपन को सही माध्य ज्ञात करना है, सही माध्य आपने लिख दिया कैपिटल एक्स, ठीक है? और यहां पर आप ले रहे हो गुणे संख्या कितनी थी भाई, 100 प्रेक्षण थे, कितने प्रेक्षण थे, 100 प्रेक्षण, तो गुणे 100। और गलत माध्य को आप स्मॉल एक्स बार से दर्शा दो, और गुणे संख्या थी 100, और यहां से माइनस 50 प्लस 10 के लिए बचेगा माइनस का 10, ठीक है? अच्छा, प्रेक्षण उसका माध्य कितना आया था, माध्य 40 आ रहा था, तो एक्स बार गलत माध्य की जगह पर अपन को 40 रखना है, तो कैपिटल एक्स बार गुणे 100 बराबर गलत माध्य आ रहा था 40 और गुणे 100 माइनस का 10। अच्छा, यहां से इस जगह से 100 का अपन भाग दे देंगे, तो कैपिटल एक्स बार बराबर यहां पर आप कर रहे हो 4000 माइनस का 10 बटे 100, ठीक है? तो कैपिटल एक्स बार बराबर ये हो रहा है 3990 और बटे 100, तो ये हो जाएगा 39.9। तो यहां से आप कह देंगे अतः सही माध्य बराबर 39.9, एक आंसर तो ये हो गया। अभी अपन मानक विचलन के लिए कर रहे हैं, तो सेम मानक विचलन के लिए कर देंगे। क्या भाई मानक विचलन क्या है अपने पास, मानक विचलन सिग्मा कितना दिया, गलत मानक विचलन, ठीक है? गलत मानक विचलन कितना दिया आपको, 5.1 दिया था, गलत मानक विचलन जो आपको दिया था वो 5.1 दिया था, ठीक है? तो रख दीजिए 5.1। अब फॉर्मूला लगाएंगे मानक विचलन के लिए, क्या
तो आपने मानक विचलन के लिए फॉर्मूला पढ़ रखा है भैया कि सिग्मा बराबर 1/n अंडर रूट n सिग्मा और एक्स स्क्वायर माइनस, जब बारंबारता नहीं होती तब के लिए, और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ये पढ़ा है ठीक है। अच्छा, अगर हम इस 1/n को अंदर ले जाते हैं तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा फिर कि सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी फॉर्मूला बन जाता है जो कि मैंने बताया है, ठीक है, अपने पुराने वीडियो में ये फॉर्मूला बताया। तो अपन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और फिर क्या करेंगे, यहां पर आप देख रहे हो सिग्मा एक्स अपॉन एन, भाई सिग्मा एक्स अपॉन एन का मतलब क्या है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह फिर इस पूरे की जगह पर अपन लिख सकते हैं एक्स बार, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल अपन को करना है। चलिए देखिए फिर अपन किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ अपन सिग्मा के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, भाई सिग्मा के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन, क्या लिख रहे हैं कि अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा रहे हो। और 5.1, अब यहां पर आप कर सकते हो सिग्मा एक्स अपॉन एन की जगह एक्स बार ले लोगे, ठीक है, एक्स बार यानी कि माध्य। तो यहां पर आप कर रहे हो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस, भाई ये समझो ना, सिग्मा एक्स का मतलब क्या है, सभी पदों का योग, बटे एन का मतलब क्या है, सभी पद। तो सभी पदों का योग बटे सभी पद क्या कहलाता है, माध्य कहलाता कि नहीं। तो इसकी जगह अपन क्या ले सकते हैं, एक्स बार ले सकते थे, तो ले लिया अपन ने सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और यहां पर आप कह रहे हो एक्स बार स्क्वायर, ठीक है, और अंडर वर्गमूल था तो यहां पर कर दो 5.1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, पुराना जो गलत माध्य था यानी कि स्मॉल एक्स बार वो था 40, तो 40 ले लोगे। यहां से आप कर रहे हो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और एन के स्थान पर अपन लिख सकते हैं 100, कुल प्रेक्षण कितने थे 100, और माइनस यहां पर ले रहे हो 40, तो 40 स्क्वायर, और ये हो गया 5.1 का स्क्वायर कितना, 26.01, ठीक है। तो यहां से आप ले रहे हो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 और माइनस का 1600 बराबर 26.01, 1600 वहां पर जुड़ जाएगा, और सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100, तो ये कह रहे हो 26.01 प्लस 1600, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा 1626.01। अच्छा, 100 का अपन गुणा कर देते हैं तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर 1626.01 गुणे 100, तो ये दशमलव हट जाएगा, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1626.01, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका सही गलत वाला, गलत गलत सिग्मा एक्स स्क्वायर, क्योंकि अभी अपन जो हल कर रहे थे वो गलत के लिए कर रहे थे। अब यहां पर अपन क्या करोगे, बात को समझिएगा कि ये एक्स स्क्वायर है और अपन 50 ले लिया था 40 के स्थान पर, तो क्या करोगे कि 50 का वर्ग घटा दोगे और 40 का वर्ग जोड़ दोगे, बात को समझना। ये जो सिग्मा एक्स स्क्वायर आया वो गलत मानक विचलन के लिए आया, क्योंकि अभी तक अपन जो हल कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे, गलत मानक विचलन के लिए। तो यहां से अपन क्या करेंगे भाई, यहां से आप ये गलत सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लिया, तो सही सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालने के लिए इस वाले में चूंकि स्क्वायर था तो 50 का स्क्वायर घटाओगे और 40 का स्क्वायर जोड़ोगे, क्लियर है बात मेरी। क्यों ऐसा करोगे, क्योंकि 40 के स्थान पर 50 ले लिया था, 50 गलत लिया था ना अपन ने, तो 50 जाएगा तभी तो 40 आएगा, यानी 50 का वर्ग घटाओगे और 40 का वर्ग जोड़ दोगे। तो यहां से आप कह लोगे कि सही सिग्मा एक्स स्क्वायर, सही सही सिग्मा, और कैपिटल एक्स ले लो क्योंकि सही के लिए अपन कैपिटल एक्स इस्तेमाल कर रहे, तो सही सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर गलत सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 50 का वर्ग घटा दोगे और 40 का वर्ग जोड़ दोगे। तो यहां से आप ले रहे हो 1626.01 माइनस का 2500 प्लस का 1600, ठीक है, तो ये वैल्यू हो रही है 1617.01 सही सिग्मा एक्स स्क्वायर इस प्रकार से, ठीक है। अब यहां से अपन निकाल सकते हैं सही मानक विचलन, क्या निकाल सकते हैं, सही मानक विचलन, ठीक है। तो इसके लिए सही मानक विचलन के लिए अपन फॉर्मूला क्या बना देंगे भी? कि सही सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन और माइनस वहां पर माध्य ले रहे थे, सही माध्य, सही माध्य का स्क्वायर,
ठीक है, और ये पूरा वर्गमूल रहेगा। तो इस प्रकार से फॉर्मूला रहेगा। तो सही सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली 16 17 01। ठीक है भाई, ये क्लियर है ना, ये फॉर्मूला क्यों ऐसे किया? आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, और इसकी जगह सिग्मा एक्स अपॉन एन की जगह मैं आपको बता चुका हूं, इसकी जगह अपन क्या ले सकते हैं, एक्स बार ले सकते हैं। ठीक है, माध्य कहलाता है। तो यहां पर एक्स बार का मतलब क्या, सही माध्य से, और यहां पर सही मानक विचलन ले रहे हैं तो सही माध्य लिखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से आप बना सकते हो। तो अब आगे अगर बात करें, यहां पर सही सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखनी है 16 17 01, और बटे एन का मान रखना है 100 माइनस सही माध्य कितना आया था, 39.9 आया था। ठीक है ना, जो अपन ने सही माध्य निकाला था, ये सही माध्य 39.9 आया था। तो यहां से अपन कर देंगे भाई सही माध्य की जगह 39.9 का वर्ग, और ये अंडर रूट में, तो यहां से इसको हल कर लेना और निकाल लेना। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा ये, अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 16 17.01 और माइनस 39.9 का यहाँ पर वर्ग कर रहे हो तो 15 92.01 कितना हो रहा। ठीक है, अंडर रूट, तो ये बचेगा यहां से अंडर रूट 25। तो सही मानक विचलन आ जाएगा 5। अतः यहां से आप कह सकते हो कि अतः सही मानक विचलन, सही मानक विचलन बराबर 5। तो इस प्रकार से आपको लगाना था क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत हो तो सवाल को पूरे को एक बार फिर से देख लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां से आपने कह दिया कि भाई सही मानक विचलन आपको चाहिए था, तो सही मानक विचलन 5 आ गया। इसके अलावा आपको सही माध्य निकालना था, तो सही माध्य आपने बता दिया 39.9 आ गया। सही माध्य कितना आ गया, 39.15। पर विविध प्रश्नावली की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपको एक दिया इस प्रकार से कि 8 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 9 और 9.25 है। यदि इनमें से 6 प्रेक्षण 6 7 10 12 12 और 13 है तो शेष 2 प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। तो आपको याद होगा अपन ने उदाहरण नंबर 17 लगाया था। ठीक है, तो उदाहरण नंबर बिल्कुल सेम टू सेम उदाहरण नंबर 17 की तरह है, उसी तरह अपन इस सवाल को हल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो यहां पर क्या किया अपन ने, माना शेष दो प्रेक्षण एक्स और वाई है। ठीक है ना, एक्स और वाई है। इसके बाद क्या भाई, माध्य क्या आपको दे रखा है, माध्य कितना 9 है ना, और माध्य क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों का योग बटे कुल पद। ठीक है, बराबर 9। तो कुल पदों का योग मतलब सबको जोड़ दो भाई, पद कितने दिए थे, 6 7 10 12 12 और 13 और एक्स और वाई। तो अपन कर रहे हैं 6 7 10 12 12 12 13 और 2 पद अपन ने एक्स और वाई मान ली, तो एक्स प्लस वाई बटे कुल पद कितने थे, ये 8 थे, बराबर 9 कर रहे थे। तो 6 7 13 हो गया, 10 23 हो गया, और 23 और 12 आपका 23 12 35। ठीक है, और यहां से 25, तो ये कुल 60 मिल जाएगा। तो ये हो गया 60 प्लस x प्लस y, 8 का उस तरफ गुणा कर देते हैं तो 9 गुणे 8, तो ये हो जाएगा 9 8 72। तो 60 प्लस x प्लस y बराबर 72, यानी कि x प्लस y बराबर हो गया 72 माइनस का 60। तो यहां से आपने कहा भाई x प्लस y बराबर कितना हो गया, 12। ठीक है, तो यहां से आप y का मान भी निकाल सकते हो, y का मान कितना हो जाएगा, 12 माइनस x। इसके बाद अपन को दिया है प्रसरण, है ना, प्रसरण कितना दिया था, 9.25। ठीक है, तो प्रसरण की बात कर लेते हैं, प्रसरण यानी कि सिग्मा स्क्वायर का मान दिया आपको 9.25। अब प्रसरण के लिए फॉर्मूला क्या, कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन बराबर 9.25। अच्छा, एक्स माइनस एक्स बार का मतलब क्या है, कि प्रत्येक पद में जो एक्स बार है, एक्स बार कितना था 9, उसमें घटाते चलोगे, पद कितने थे 6 7 10 12 12 13 और xy। ठीक है, यानी कि 6 7 10 12 12 13 एक्स वाई में अपन एक्स बार यानी कि 9 को घटा के उनका वर्ग करके जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, और यहाँ एन की जगह रख रहे हो 8, तो 8 का उससे पक्षांतर कर देंगे तो गुणा करा देंगे। ठीक है, यहां पर अपन क्या कर रहे हैं भाई, एक्स में 6 था तो पहले अपन 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस फिर 7 माइनस 9 स्क्वायर
प्लस 10 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9 स्क्वायर फिर आगे प्लस 13 माइनस 9 स्क्वायर प्लस x माइनस 9 स्क्वायर प्लस y माइनस 9 स्क्वायर बराबर यहां मेरा 9.25 गुणे 8। ठीक है, क्योंकि n का पक्षांतर कर दिया और n की जगह अपन को 8 रखना था, कुल परीक्षण 8 थे। ठीक है, तो यहां से अपन को कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहां से आप ले रहे हो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक है, 13 माइनस 9 यानी 4 का स्क्वायर, यहां a माइनस b का होल स्क्वायर खोल दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुणे x गुणे 9। ठीक है, और y माइनस 9 स्क्वायर है तो यहां पर भी a माइनस b का होल स्क्वायर खोल रहे हो प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 2 गुणे x 2 गुणे y 2 गुणे y गुणे 9 y गुणे 9 बराबर। अच्छा, यहां पर 9.25 गुणे 8 करते हो तो 25 8 200 9 8 72 2 74 74 आ जाएगा यहां से। ठीक है, यहां आपको मिल रहा है 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस ये हो गया 9 प्लस 9 प्लस 16 ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 81 माइनस 9 दूनी 18x यहां से हो रहा प्लस का y स्क्वायर प्लस 81 और माइनस का 18y बराबर 74। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लो, ये 9 4 13 1 14 9 और 9 और 16 81 और ये 81 इन सबको जोड़ते हैं तो ये टोटल वैल्यू आ रही है 210। ठीक है, ये यहां से हो गया 210, फिर ये बच जाएगा। अच्छा, माइनस 18x और माइनस 18y में से 18 कॉमन निकालते हो माइनस 18 तो अंदर बच रहा है x प्लस y और ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 74। अच्छा, x प्लस y की जगह अपन रख सकते हैं 12, है ना, देखो x प्लस y की जगह अपन क्या रख सकते हैं 12, तो यहां से अपन ने x प्लस y की जगह 12 रख दिया तो ये हो गया 210 माइनस 18 गुणे 12 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 74। तो ये हो गया 210 माइनस 18 गुणे 12 कर रहे हैं तो ये हो गया 216 और प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 74। 210 माइनस 216 हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 6। ठीक है, तो प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 74। ठीक है, अच्छा माइनस 6 उस तक जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 74 प्लस 6 देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 80 80 आ गया। और y के स्थान पर अपन रख सकते थे x माइनस 12 12 माइनस x। ठीक है, y के स्थान पर अपन रख देंगे 12 माइनस x। ठीक है भाई, रख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से x स्क्वायर प्लस 12 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 80। a माइनस b का होल स्क्वायर खोल देंगे तो x स्क्वायर प्लस और यहां आप ले रहे हो a स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab नहीं 2 गुणे 12 गुणे x बराबर 80। तो x स्क्वायर प्लस 144 प्लस x स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24 x बराबर और 80 का पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 80। ठीक है, माइनस 80 बराबर 0 x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 24x 144 में से 80 गया तो बचेगा कितना बच जाएगा यहां से 74। ठीक है, 64 बच जाएगा तो प्लस का 64 64 बराबर 0 दो कॉमन निकाल लो दो कॉमन निकालोगे तो x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 32 32 बराबर 0 दो का भाग हो जाएगा तो ये बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया तो इसको हल कर लेंगे 8 चौक 32 और 8 चार 12 होता है। ठीक है ना, तो x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 4x प्लस का 32 बराबर 0 x कॉमन निकाल लो तो x माइनस 8 माइनस का 4 कॉमन निकालोगे तो x माइनस 8 बराबर 0 तो यहां से आप कह रहे हैं भाई x माइनस 8 एंड x माइनस 4 बराबर 0 तो आपने दो वैल्यू निकाली यहां से x माइनस 8 बराबर 0 लिया तो यहां से आप कह रहे हो भाई x बराबर 8 और x माइनस 4 बराबर 0 लिया तो यहां से आप कह रहे हो x बराबर 4 तो जब x बराबर 8 तो y बराबर कितना था 12 माइनस x कर रहे थे तो 12 माइनस 8 यानी y का मान हो गया 4। ठीक है, और जब और
जब एक्स बराबर 4 तो वाई बराबर 12 माइनस एक्स, यानी वाई बराबर 12 माइनस 4, वाई बराबर 8। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो कि अतः शेष दो प्रेक्षण, शेष दो प्रेक्षण 8 4 और 8 है, 8 और 4 कोई दिक्कत नहीं, दो प्रेक्षण 4 और 8 है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि भाई 7 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 8 तथा 16 है, यदि इनमें से 5 प्रेक्षण 2, 4, 10, 12, 14 हैं तो शेष दो प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार से है, तो आपको पता है कैसे लगाना है। अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 लगा लिया, अपन ने उदाहरण नंबर 17 लगाया था, सेम टू सेम वैसे ही करना है। माना 2 शेष प्रेक्षण एक्स और वाई है, तो श्रृंखला यहां से क्या बन जाएगी, 2, 4, 10, 12, 14 एक्स और वाई, ये श्रृंखला बन गई। कुल पद अपन को 7 दिए थे, तो माध्य के बारे में बात कर लेते हैं। भाई माध्य एक्स बार कितना दिया है अपन को, 8 दिया है, माध्य दिया है 8, तो क्या होता है कुल पद बटे कुल संख्या, यानी कि यहां पर क्या कर रहे हैं अपन, कुल पदों का योग। ठीक है, कुल पदों का योग बटे कुल पद, तो 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस x प्लस y बटे कुल पद कितने हैं, 7 बराबर 8। तो यहां 2 4 10 12 14 को जोड़ लो तो ये हो रहा 42, और 7 का वहां गुणा करा देंगे तो 7 8 56 आ जाएगा। ठीक है ना, 7 का वहां गुणा करा दे तो 7 8 56 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्लस वाई बराबर 56 माइनस 42 कर रहे हैं यहां से, तो एक्स प्लस वाई का मान मिल गया अपन को 14। यहां से अपन वाई का मान निकालते हैं तो हो जाएगा 14 माइनस x। इसके बाद मैं अगर बात करूं प्रसरण की, ठीक है, प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर कितना दिया है, प्रसरण दिया अपन को 16। ठीक है, प्रसरण का मान दिया है 16, तो प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर 16। फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन बराबर 16। अच्छा, एन की जगह 7 रखोगे और 7 का पक्षांतर कर देंगे, 7 का गुणा हो जाएगा 16 के साथ। ठीक है ना, एन का यानी कि 7 का 16 के साथ गुणा हो जाएगा। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसका मतलब क्या कि प्रत्येक पद में जो x बार था, x बार कितना था, 9 था, x बार जो था वो 8 था, तो 8 को 2 4 10 12 14 x और y के साथ घटाते चलेंगे और उनका वर्ग करके जोड़ते चलेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना हो रहा भाई, 2 4 10 12 था, यानी कि 2 माइनस 8 स्क्वायर, फिर 4 माइनस 8 स्क्वायर, फिर 10 माइनस 8 स्क्वायर, फिर 12 माइनस 8 स्क्वायर, 2 4 10 2 4 10 12 2 4 10 12 और 14 xy। ठीक है, फिर प्लस 14 माइनस 8 स्क्वायर, 14 माइनस 8 स्क्वायर प्लस x माइनस 8 स्क्वायर प्लस y माइनस 8 स्क्वायर बराबर, और 16 गुणे 7 कर रहे थे अपन, 16 गुणे 7। ठीक है, n का पक्षांतर किया, नहीं n की जगह 7 रखना था, 16 गुणे 7 कर दिया। अच्छा, 2 माइनस 8 कितना हो रहा है, ये माइनस का 6 स्क्वायर प्लस यहां से आप ले रहे हो माइनस का 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस 2 ab यानी 8 दूनी 16 और 16 x हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आप ले रहे हो वाई स्क्वायर प्लस का 8 स्क्वायर और माइनस 8 दूनी 16 y आ जाएगा, और 16 सत्ते 112। ठीक है, अच्छा यहां से अपन को क्या मिल जाएगा वैल्यू, अगर मैं बात करूं तो ये हो रहा है 36 प्लस 16 प्लus 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस x स्क्वायर प्लस 88 64 माइनस का 16 x प्लस का y स्क्वायर प्लस 88 64 हो गया माइनस का 16 y बराबर 112। यहां से जोड़ लेते हैं इनको, 36 16 4 16 36 64 और 64, इन सबको जोड़ते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 236। ठीक है, 236। अच्छा, यहां से माइनस का 16 x और माइनस के 16 y में से माइनस 16 कॉमन निकाल लो, 16 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस वाई, और ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 112। एक्स प्लस वाई की जगह अपन 14 रख सकते हैं। ठीक है ना, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई थी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आई थी भाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू होती 14, तो एक्स प्लस वाई की जगह 14 रख देंगे, तो गुणे 14 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 112। तो ये कर रहे हो अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 112। अच्छा, 236 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 236 और 16 गुणे 14 हो रहा है 224, और उसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस 224 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, माइनस 16 गुणे 14 था
16 गुणे 14 होता है 224, पक्षांतर करोगे तो प्लस 224, तो यहां से ये टोटल वैल्यू निकल के आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, और y के स्थान पर रख देंगे अपन 14 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां पर y के स्थान पर रख देंगे 14 माइनस एक्स, ठीक है, ओके जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 16, 100, 100, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से कर रहे हैं 14 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 14 × x बराबर 100, तो ये मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14 × 28x, 100 का पक्षांतर किया तो माइनस 100 बराबर 0, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 28x, 196 में से 100 गया तो ये बचा प्लस का 96 बराबर 0, दो कॉमन निकल रहा है, दो कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 बराबर 0, दो का भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 48 बराबर 0, तो 8 × 48 होता है, 8 × 6 = 14, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 6x प्लस 48 बराबर 0, एक्स कॉमन निकालोगे तो x माइनस 8 माइनस 6 कॉमन निकालोगे तो x माइनस 8 बराबर 0, तो यहां से आप कह रहे हो भाई x माइनस 8 x माइनस 6 बराबर 0, तो यहां से आप कह रहे हो भाई x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8 और x माइनस 6 बराबर 0, तो यहां से आप कह रहे हो भाई x बराबर 6, ठीक है। तो क्या कह सकते हो भाई, जब जब x बराबर 8 तो y बराबर कितना था 14 माइनस x, यानी y बराबर 14 माइनस 8 यानी कि y बराबर हो जाएगा 6, और जब x बराबर 6 तो y बराबर 14 माइनस x, y बराबर 14 माइनस 6 तो y बराबर हो जाएगा 8, तो यहां से क्या कह सकते हो भाई, अतः शेष दो प्रेक्षण 8 और 6 है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस प्रकार से दिया है कि 6 प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः 8 तथा 4 है, माध्य दे दिया मानक विचलन दे दिया, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षणों का, परिणामी जो नए प्रेक्षण होंगे उनका माध्य व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो भी परिवर्तन आप पदों में यानी कि प्रेक्षण में, प्रेक्षण और कुछ नहीं पद है संख्या है, तो जो भी परिवर्तन आप पदों में प्रेक्षणों में करते हैं वो सीधा परिवर्तन उसके माध्य में होता है, ठीक है। यहां पर मैंने वही चीज लिखी है कि यदि प्रेक्षणों में कुछ भी जोड़ते घटाते गुणा या भाग करते हैं तो सीधा परिवर्तन माध्य में होता है, अर्थात उतनी ही संख्या को माध्य के साथ जोड़ घटाना गुणा या भाग कर देते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे कर दो कि भाई 3 का गुणा कर रहे हैं प्रेक्षणों में तो माध्य कितना था, 8 था माध्य, तो नया माध्य कितना हो जाएगा, नया माध्य 8 × 3 = 24 हो जाएगा, सीधे सीधे, ठीक है। और अगर मैं मानक विचलन की बात करूं तो ये अपन ने बात करी थी उदाहरण नंबर 17 में, ठीक है, उदाहरण नंबर 16 में, ठीक है, उदाहरण नंबर अपन ने 16 में देखा था, करेक्ट, उदाहरण नंबर 16 में अपन ने ये चीज नोट की थी और वहां पर मैंने आपको समझाया था और वहां पर हल भी करके बताया था। तो अगर हल करना है तो उदाहरण नंबर 16 में जैसे किया था ना, सेम टू सेम वैसे कर सकते हैं। दूसरा, वहां पर अपन कह रहे थे कि 2 से गुणा किया जाए, ठीक है, तो यहां पर अपन ने 3 से गुणा कर रहे हैं। अब ये चीज उदाहरण नंबर 16 में हुई थी कि यदि प्रेक्षण में किसी संख्या k का गुणा करते हैं तो प्रसरण में के स्क्वायर का गुणा हो जाता है, ये अपन ने उदाहरण नंबर 16 में पढ़ा था। इसी प्रकार मानक विचलन में के का गुणा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मानक विचलन जो होता है प्रसरण का वर्गमूल होता है, तो प्रसरण में के स्क्वायर का गुणा होगा तो मानक विचलन में के का गुणा हो जाएगा। तो यहां से आप सीधे सीधे निकाल दोगे नया माध्य बराबर पुराना माध्य × 3, तो पुराना माध्य कितना था, 8 था, × 3 कर रहे हो, तो यहां से नया माध्य आपने बता दिया नया माध्य बराबर 24, ठीक है, नया माध्य हो गया 24, और नया मानक विचलन तो सीधे सीधे इसमें भी गुणा कर दोगे, पुराना मानक विचलन गुणे कितने का गुणा कर दोगे, 3 का, पुराना मानक विचलन कितना था भाई, 4 था,
ठीक है, मानक विचलन कितना ले रहे थे, 4, तो यहां से आपका सीधा हो जाएगा 4 × 3, यानी कि नया मानक विचलन, नया मानक विचलन बराबर 4 × 12, ठीक है ना। इस प्रकार से दिखा दोगे तो ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूरा सॉल्यूशन करना है तो जैसे मैंने उदाहरण नंबर 16 में किया था वैसे आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान चीज है, आप वहां से निकाल। क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस प्रकार से कह रहा है कि यदि n प्रेक्षणों x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का माध्य x बार तथा प्रसरण सिग्मा स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रेक्षणों ax1 ax2 ax3 डॉट 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 axn का माध्य और प्रसरण क्रमशः ax बार तथा a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर है, जहां a नॉट इक्वल टू 0। तो कुछ क्वेश्चन ये दे रहा है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, अगर मैं आपको इससे लगाने की बात करूं, क्वेश्चन दिख जरूर रहा होगा आपको कठिन, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कैसे करना है समझो भाई, क्या दिया आपको कि n प्रेक्षणों का माध्य x बार दिया है, ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो भाई कि माध्य माध्य बराबर x बार, ये आपको दे रहा है। n माध्य कितना दिया आपको, n प्रेक्षणों का माध्य x बार दिया। आपको पता है माध्य क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पद, ठीक है, पदों का योग बटे कुल पद। तो पद कितने भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस सो ऑन xn अपॉन पद है n बराबर x बार, ये हुआ। अब यहां पर अपन ने क्या किया, नए पद हो रहे थे ax1 ax2 ax3 axn इस प्रकार से, तो यहां से आप ले रहे हो, इसलिए नया माध्य, नया माध्य, नया माध्य के लिए क्या कर रहे हो अपन, ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 प्लस डॉट 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 प्लस axn अपॉन कुल पद, तो वही रहेंगे पद तो n ही रहेंगे। अच्छा ऊपर आप देख रहे हो a कॉमन है, तो a कॉमन निकाल लो, तो a कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपॉन n, ठीक है, और इतने की जगह x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपॉन n की जगह यहां पर अपन टोटल रख सकते हैं x बार। तो यहां से आप देख सकते हो नया माध्य आ गया ax बार, जो अपन को सिद्ध करना था, ठीक है, यही चीज सिद्ध करनी थी, नया माध्य, तो ये चीज अपन ने सिद्ध करके दिखा दी। अब बात करते हैं प्रसरण की, ठीक है, प्रसरण प्रसरण, तो प्रसरण की बात करें तो सिग्मा स्क्वायर बराबर प्रसरण के लिए कितना भी कि प्रसरण आपको दिया है सिग्मा स्क्वायर, यानी कि अब यहां से अपन प्रसरण आपको दे रखा है, समझना बात को, प्रसरण अपन को दे रखा है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो प्रसरण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लगाते हो आप सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन बराबर सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते हो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स वन माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स एन माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन बराबर सिग्मा स्क्वायर। इसका मतलब यही हुआ भाई, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक्स में, प्रत्येक एक्स में अपन एक्स बार घटा के उनका वर्ग करके उनको जोड़ते चलते हैं, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। तो यही कर दिया मैंने, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की जगह क्या कर दिया, एक्स वन माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है, इतना कर दिया। अब यहां से नया प्रसरण निकालते हैं, ठीक है, नया प्रसरण, तो नया प्रसरण क्या हो जाएगा भाई, नया प्रसरण के लिए वो कह रहा है कि सिग्मा अपन को ए एक्स कह रहा था, ठीक है, प्रत्येक उसमें अपन ने ए एक्स का गुणा किया, तो यहां से अपन कह रहे थे ए एक्स माइनस और माध्य हो रहा था ए एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, या इस चीज को अपन ऐसे भी कह सकते हैं भाई, क्या कि ये जो चीज हो रही थी ये हो रहा था ए एक्स वन माइनस ए एक्स बार स्क्वायर प्लस ए एक्स टू माइनस ए एक्स बार स्क्वायर प्लस ए एक्स थ्री माइनस ए एक्स बार स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एक्स एन माइनस ए एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, ये हो रहा था। तो यहां से अपन देख रहे हैं प्रत्येक पद में से, प्रत्येक पद में से ए कॉमन निकल रहा है, प्रत्येक पद में ए कॉमन निकल रहा है, तो प्रत्येक पद में ए निकाल लोगे, तो ए कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स बार स्क्वायर
प्लस ए कॉमन निकालोगे तो एक्स टू माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस, अच्छा ए कॉमन निकालोगे तो ध्यान रखो यहाँ वर्ग लगा है, प्रत्येक में वर्ग लगा है ना, तो वर्ग लगा तो क्या चल जाएगा, स्क्वायर चल जाएगा। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं प्रत्येक के साथ ए स्क्वायर आएगा। जब ए बाहर निकलेगा, क्योंकि हर एक के ऊपर स्क्वायर लगा है तो ए बाहर निकलेगा तो स्क्वायर चढ़ता जाएगा, यानी यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर, फिर प्लस में ए स्क्वायर एक्स थ्री माइनस एक्स बार स्क्वायर, फिर प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ से ए स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ से बचेगा एक्स एन माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। पूरे में से ए स्क्वायर अपन कॉमन निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर पूरे में कॉमन निकालोगे तो अंदर कितना बच रहा, एक्स वन माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस और एक्स थ्री माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स एन माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, और ये ध्यान दो कि ये फॉर्म ये क्या बन रहा था, ये जो चीज बन रही थी एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये पूरा आपका सिग्मा स्क्वायर बन रहा था इतना, इसकी जगह अपन क्या रख रहे थे सिग्मा स्क्वायर। देखो ये जो चीज थी इतना, इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं टोटल सिग्मा स्क्वायर, तो वहां पर अपन टोटल सिग्मा स्क्वायर रख देंगे तो यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर और इसकी जगह सिग्मा स्क्वायर। तो यहां से क्या कह सकते हैं, इसीलिए नया प्रसरण बराबर ए स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर, ये अपन को सिद्ध करके दिखाना था, तो अपन ने ये चीज सिद्ध करके दिखा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको इस प्रकार से दिया है कि 20 प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः 10 तथा 2 है। ठीक है, जांच करने पर यह पाया गया कि प्रेक्षण 8 गलत है, निम्न में से प्रत्येक का सही माध्य तथा मानक विचलन ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है गलत प्रेक्षण को हटा दें, यानी 8 को हटा दें तब की बात कर रहा, और उसे 12 से बदल जाए, यानी 8 हटाने के बाद 12 जोड़ दें, मतलब 8 की जगह 12 ले लें, तब क्या हो जाएगा। तो क्या कह दिया यहाँ पर, 20 प्रेक्षण दिए, यानी एन का मान अपन को 20 दे रहा भाई, एन का मान 20 दे रहा, और माध्य कह रहा है माध्य 10 है। ठीक है, यहां से उसने कहा भाई माध्य एक्स बार बराबर 10। ठीक है, अब यहां से अपन को 8 हटाने के लिए कह रहा वो। ठीक है, तो माध्य का मतलब क्या कि कुल पदों का योग बटे कुल पद, यही होता है। अच्छा, कुल पदों का योग मतलब सभी पद को जोड़ रहे, यानी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस डॉट 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 कर रहे इस प्रकार से। इसका मतलब ये है कि जो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, इसको अपन सिग्मा एक्स बोल सकते हैं ना, इस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो फॉर्मूला ये बन गया बटे एन बराबर 10। ठीक है, तो यहां से सिग्मा एक्स निकाल रहे, सिग्मा एक्स मतलब है पदों का योग। ठीक है, और सिग्मा एक्स अपॉन एन की जगह रख रहे हो 20 बराबर 10, तो यहां से सिग्मा एक्स निकाल लिया, सिग्मा एक्स बराबर 10 गुणे 20, यानी कि सिग्मा एक्स हो गया 200। तो ये सिग्मा एक्स यानी पदों का योग आ गया 200। अब वो कह रहा था उसमें 8 हटा दो, यदि यदि प्रेक्षण प्रेक्षण 8 को हटा दें, को हटा दें। ठीक है, तो अब अगर 8 को हटा दिया तो नया कुल पदों का योग कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स हो जाएगा 200 माइनस 8 बराबर 192। और याद करो, ध्यान रखना कि एक हटा गया, आपका जो प्रेक्षण 8 है वो चीज हट चुकी है, तो अब कुल पद कितने बचे, 19 बचे, और n n कितना हो जाएगा 20 माइनस 1 बराबर 19। ठीक है, तो यहां से आप कह रहे हो नया प्रेक्षण। ठीक है, इसलिए नया प्रेक्षण कितना हो जाएगा, नए प्रेक्षण का माध्य। ठीक है, नए प्रेक्षण का माध्य निकाल रहे हो, नए प्रेक्षण का माध्य यानी x बार आपने बोल दिया, यहां से हो जाएगा 192 बटे 19 सिग्मा x अपॉन n। ठीक है, कुल पदों का योग 192 हो गया 8 हटाने के बाद, और कुल पद आपके 19 हो गए, तो 192 बटे 19, तो ये आ जाएगा 10.10। ठीक है, 10.10। तो यहां से आप कह सकते हो इसलिए नया माध्य हो गया 10.10। तो ये एक आंसर हो गया। फिर इसमें पूछा था मानक विचलन है ना, तो अपन को दे क्या रखा था, अगर मैं बात करूंगा अपन को दे रखा था कि मानक विचलन 2 है, मानक विचलन 2 का मतलब सिग्मा का मान आपको 2 दे दिया, तो मानक विचलन सिग्मा बराबर 2 दे दिया। अच्छा, सिग्मा के लिए फॉर्मूला क्या बनाओगे, सिग्मा के लिए फॉर्मूला बना रहे हो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और मानक विचलन है तो वर्गमूल रहेगा,
बराबर दो। वर्गमूल उस तरफ ले जाओगे तो हो जाएगा वर्ग, और सिग्मा एक्स स्क्वायर यहां पर आप कह रहे हो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस। अच्छा यहां पर सिग्मा एक्स अपॉन एन की जगह अपन क्या रख सकते हैं, एक्स बार रख सकते हैं ना, सिग्मा एक्स अपॉन एन की जगह अपन एक्स बार रख सकते हैं। तो यहां पर अपन एक्स बार रख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स बार स्क्वायर बराबर, और वर्गमूल दूसरी तरफ ले गए थे पक्षांतर कर दिया था, तो ये हो जाएगा दो का वर्ग, ठीक है इतना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन का मान कितना था 20, ठीक है भाई अपन तो अभी तो वही रख रहे हैं ना कि सिग्मा का मान 2 और एन का मान 20, अभी इस पे कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है माइनस। और एक्स बार का मान यहाँ पर कितना रखना है, पुराना वाला ही रखना है, एक्स बार का मान अपन को 10 रखना है, तो यहाँ पर रख रहे हैं 10 स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग, वर्ग कर रहे थे यहाँ पर 2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 4। और यहां से आप ले रहे हो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 20 माइनस 100 बराबर 4, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 20 बराबर 4 प्लस 100, तो आप कह रहे हो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 20 बराबर 104, 20 का पक्षांतर करेंगे तो 20 का गुणा हो जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर 104 गुणे 20, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर 2080 और 20 एकम 20, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान 2080 आ गया। अभी ध्यान दो अपन क्या कर रहे थे, प्रेक्षण 8 को हटा रहे थे, तो एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखना इस बात को कि भाई यहां पर एक्स स्क्वायर है तो 8 का वर्ग घटेगा, 8 हटाने का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर के लिए 8 का वर्ग हटेगा, ठीक है यदि यदि प्रेक्षण 8 को हटाते हैं, को हटाते हैं, अगर प्रेक्षण 8 को हटाते हैं तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2080, 8 को हटाने का मतलब 8 का वर्ग हटा रहे हैं क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर दिया, तो ये हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा आपका 2016 आ जाएगा, ठीक है नया सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2016, और एक पद हटा दिया तो एन का मान कितना रख रहे हो, एन का मान रख रहे हो 20 माइनस 1 बराबर 19, ठीक है और अपन ने नया एक्स बार नया माध्य तो निकाला ही था, नया एक्स बार, ठीक है नया एक्स बार, या आप कह दो कि नया सिग्मा एक्स कितना था, नया सिग्मा एक्स, नया सिग्मा एक्स, तो नया सिग्मा एक्स था 192, ठीक है ये ध्यान दो, नया सिग्मा एक्स कितना था, अगर मैं आपसे कहूं सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स था, नया सिग्मा एक्स था 192, ठीक है अब यहां पर अपन निकाल देंगे मानक विचलन निकालना अपन को, इसीलिए नया मानक विचलन, नया मानक विचलन सिग्मा बराबर अंडर रूट, ये कह रहा हूं सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, तो यहां पर अपन को वैल्यू रखनी है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपन ने नया सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना निकाला, ये निकाला आपने 2016, तो यहां रख रहे हो 2016 बटे एन का मान 19 माइनस सिग्मा एक्स का मान कितना 192 बटे 19 और इसका होल स्क्वायर कर रहे थे अपन, ठीक है इसका होल स्क्वायर कर रहे थे, तो यहां पर एक काम करो 19 को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है तो 2016 बटे 19 और माइनस ये हो जाएगा 192 का स्क्वायर बटे 19 का स्क्वायर, आपको पता है लासा कर लेंगे, लासा लेंगे तो लासा कितना आएगा 19 स्क्वायर आएगा लासा, ठीक है 19 स्क्वायर आएगा लासा, तो 19 का यहाँ गुणा करा दोगे 2016 गुणे 19 माइनस 192 का वर्ग, इस तरीके से चीज निकल के आएगी और ये वर्गमूल में, ठीक है ना तो 20 और 16 गुणे 19 करते हुए आ रहा है 38304, ठीक है माइनस 192 का वर्ग हो रहा है 36864 बटे, आपको 19 का वर्ग पता है 19 का स्क्वायर हो रहा, तो यहाँ पर ऊपर बचेगा वर्गमूल और नीचे बचेगा 19, क्योंकि 19 का वर्ग था है ना, 324 होता है लेकिन 19 का वर्ग था और वर्गमूल लगा था तो अकेला बचेगा 19, तो यहाँ से घटाने पर वैल्यू आ रहेगी 144.0 ये वर्गमूल में बटे 19, तो यहाँ से वैल्यू आ रही 37.95 37/95/19, तो यहां से आप कह सकते हो इसलिए नया मानक विचलन, इसलिए नया मानक विचलन, मानक विचलन, नया मानक विचलन यहां से आप निकाल दोगे 1.99 इस प्रकार से, ठीक है
तो क्वेश्चन नंबर एक के लिए आपको नया माध्य पूछ रहा था, तो यहां से आपने देखा भाई नया माध्य आपने जो निकाला 10.10, ठीक है, नया माध्य क्या निकाल दिया आपने 10.10, ठीक है, और नया मानक विचलन आपने निकाल दिया, नया मानक विचलन 1.99। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दो पर इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो आपको कह रहा था कि 8 की जगह पर 12 ले लिया जाए, 8 की जगह पर 12 ले लिया जाए, ठीक है। तो क्या था भाई कि n का मान था 20 और माध्य माध्य x बार था 10, ठीक है। x बार की जगह आपको क्या रखना है, सिग्मा x अपॉन n बराबर 10, तो यहां से सिग्मा x अपॉन 20 बराबर 10, यानी सिग्मा x की वैल्यू कितनी हो रही थी, सिग्मा x की वैल्यू हो रही थी 200। अब क्या कर रहे हैं कि प्रेक्षण 8 के स्थान पर 12 लेते हैं, ठीक है, 12 लेते हैं। अगर 8 के स्थान पर 12 लेंगे तो क्या होगा, 8 जाएगा, सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा, 200 में 8 जाएगा और 12 आएगा, इसका मतलब 204 हो जाएगा, यहां से सिग्मा एक्स हो जाएगा 204। अच्छा एक चीज ध्यान दो, एक पद गया और दूसरा पद आया, 8 के स्थान पर 12 लिया ना, तो एन की वैल्यू तो भैया 20 ही रहेगी, एन की वैल्यू 20 ही रहेगी, यहां से आप कह दोगे इसलिए नया माध्य कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी 204/20, ठीक है। तो यहां से 204/20 ये हो जाएगा आपका 10.2, तो यहां से आप कह रहे हो अतः नया माध्य हो जाएगा 10.2, ठीक है, नया माध्य यहां से निकाल लिया। अब बात करते हैं मानक विचलन की, तो अपन को क्या दिया था भाई, एन का मान दिया है 20 और सिग्मा का मान दिया है कितना, सिग्मा का मान दिया था अपन को 2, सिग्मा का मान 2 दिया था और एक्स बार का मान दिया था अपन को 10, ठीक है। ये तो हो गई पुराने की बात, अब यहां पर क्या कर रहे हैं कि 8 के स्थान पर 12 कर रहे हैं, तो पहले पुराना मानक विचलन लगाते हैं अपन, ठीक है, तो सिग्मा बराबर 2 फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर, क्या कि सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, इस प्रकार से, और वर्गमूल कर रहे हो बराबर 2, ठीक है। सेम वही करना है जो ऊपर किया, बस यहां पर क्या हो रहा है 8 के स्थान पर अपन को 2 लेने के लिए कह रहा, तो ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहां से बन जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन की जगह रखोगे 20 माइनस, अच्छा सिग्मा एक्स अपॉन एन हो रहा था एक्स बार, या आप ले लो 20 ले लो, कितना हो रहा था, सिग्मा एक्स हो रहा था 200, सिग्मा एक्स हो रहा था 200, और यहां पर सीधे ले लो एक्स बार, ठीक है, एक ही चीज है ना, ये क्या सिग्मा एक्स अपॉन एन क्या होता है, एक्स बार होता है, तो ये हो गया एक्स बार स्क्वायर। अच्छा वर्गमूल है ये क्या है, वर्गमूल इस तरफ आएगा तो वर्ग हो जाएगा, तो 2 का वर्ग कर दो, तो यहां से आप निकाल रहे हो सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे 20 माइनस एक्स बार कितना था 10, एक्स बार कितना था 10 था, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर बराबर 4, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर। अच्छा एक काम कर सकते हो, अपन ने ऊपर निकाला था 20 कितना निकाला था, 20 80 निकाला था, कोई दिक्कत नहीं, फिर से निकाल लेते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 100/4, तो यहां से आप कह रहे हो भाई सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 20 बराबर 100 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 104, और 20 का गुणा कर दोगे तो ये निकल के आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर 20 80। अब यहां पर क्या कर रहे हैं कि प्रेक्षण 8 के स्थान पर 12 लेने पर, इसका मतलब क्या भाई, ऊपर भी मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर के स्थान पर ले रहे हो, इसका मतलब 8 का वर्ग हटाओगे और 12 का वर्ग जोड़ दोगे, 8 के स्थान पर 12 लिया, 8 गया और 12 आया और एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि 8 का वर्ग घटा दोगे और 12 का वर्ग जोड़ दोगे, तो यहां से आप कह दोगे नया सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर 20 80 - 8² + 12² ये ले रहे हो, ठीक है। तो यहां से आप कह रहे हो कि 20 80 - 64 + 144, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2160 आएगी वैल्यू इसकी, तो ये नया सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया। और अपन के पास भाई वैल्यू तो अपने पास थी एक्स बार की, अगर मैं बात करूं सिग्मा एक्स कितना आया था, सिग्मा एक्स आया था 204, और एन का मान तो अपन को रखना था कितना 20,
क्योंकि 8 गया और 12 आया तो संख्या तो वही रहेगी। अब नया मानक विचलन, नया मानक विचलन, ठीक है, नया मानक विचलन सिग्मा बराबर कितना ले रहे हो, अंडर रूट और सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये कर रहे हो। तो यहां से ले लिया सिग्मा बराबर, अच्छा सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना हो रहा है, ये हो रहा 2160, ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया 2160। तो यहां ले लो 2160 बटे 20 माइनस सिग्मा एक्स कितना 204, तो यहां आप कर रहे हो 204 बटे 20 का स्क्वायर और ये अंडर रूट में। अब यहां से आप लासा ले लोगे, ठीक है, तो लासा आएगा 20 का वर्ग, ठीक है, लासा आएगा 20 स्क्वायर और एक 20 का ऊपर गुणा करोगे 2160 गुणे 20 माइनस 204 का वर्ग ले लोगे, 204 का वर्ग ले लो, ठीक है। अच्छा 21 और 60 के साथ 20 का गुणा कर रहे हो तो ये हो रहा 443 200, ठीक है, ये हो रहा 43 200 माइनस 204 का वर्ग 41 616 और ये अंडर वर्गमूल में ले लो बटे 20 का वर्ग है तो नीचे बचेगा 20, तो यहां से वैल्यू हो रही है 1584, 1584 घटाने के बाद बटे 20, तो 1584 कितना बचेगा 39.79 अपॉन 20, तो यहां से सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू होगी 1.98, ठीक है। तो यहां से आप कह दोगे कि अतः नया मानक विचलन, अतः नया मानक विचलन, अतः नया मानक विचलन बराबर 1.98 हो जाएगा, ठीक है, ये अपन को निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर आपने इस प्रकार से दिखा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कि नया माध हो गया 10.2 और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पांचवें के दूसरे के लिए नया मानक विचलन हो गया 1.98। क्वेश्चन नंबर 6 आपको इस प्रकार से दिया है कि एक कक्षा के 50 छात्रों द्वारा 3 विषयों गणित भौतिक शास्त्र व रसायन शास्त्र में प्राप्त अंकों का माध व मानक विचलन नीचे दिए गए हैं, यानी एक्स बार और सिग्मा की वैल्यू दी है, ठीक है, तो आपको बताना है किस विषय में सबसे अधिक विचलन है तथा किसमें सबसे कम विचलन है। तो बिल्कुल विचलन गुणांक निकाल लेंगे और वहां से अपन पता कर लेंगे। तो विषय आपको दे दिए गणित भौतिक रसायन विज्ञान रसायन शास्त्र और माध और मानव विचलन की वैल्यू यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है। तो बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, विचरण गुणांक निकाल लोगे सबके लिए। आपको ध्यान रखना भाई विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, विचरण गुणांक सी वी, विचरण गुणांक क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, ठीक है। तो पहले निकालते हैं गणित के लिए विचरण गुणांक, ठीक है, गणित के लिए, गणित के लिए, तो अगर मैं बात करूं गणित के लिए तो यहां पर गणित के लिए एक्स बार की वैल्यू कितनी दी है 42, ठीक है, गणित के लिए कितना दिया है 42, गणित के लिए एक्स बार दिया है 42 और सिग्मा कितना दिया है, सिग्मा दिया है 12, ठीक है। तो यहां से निकाल लो गणित के लिए सी वी, विचरण गुणांक गणित के लिए एम ले लो सी वी एम, ठीक है, तो ये होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार यानी कि 12 बटे 42 गुणे 100, ठीक है। तो यहां से इसकी वैल्यू आ रही है 28.57, इसको हल करोगे, ठीक है। तो इसके बाद भौतिक विज्ञान के लिए, भौतिकी के लिए, भौतिकी के लिए, तो भौतिकी के लिए आपको एक्स बार की वैल्यू कितनी दी है, भौतिकी के लिए एक्स बार की वैल्यू दे रखी है अपन को 32, ठीक है, 32 और सिग्मा दिया है 15, ठीक है ना, सिग्मा दिया है 15। तो यहां से भौतिकी के लिए विचरण गुणांक निकाल लो सी वी पी, तो यहां पर आप कर रहे हो 15/32, ठीक है ना, सिग्मा बटे एक्स बार यानी 15/32 गुणे 100, तो इसको हल करने पर ये वैल्यू आ रही 46.87। फिर रसायन के लिए, रसायन के लिए, रसायन के लिए, तो रसायन के लिए भी एक्स बार कितना दे रखा, रसायन के लिए एक्स बार दिया है 40.9, 40.9 और सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 20, तो यहां से विचरण गुणांक निकाल लो सी वी, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो सी ले लेते हैं और सिग्मा अपॉन एक्स बार यानी 20 बटे 40.9 गुणे 100, तो इसको हल करने पर ये आ रहा 48.89। तो यहां से आप स्पष्ट तौर से देख पा रहे हो कि यहां पर मैथ के लिए, गणित के लिए जो विचरण गुणांक है वो सबसे कम है और रसायन विज्ञान के लिए जो विचरण गुणांक है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से आप ये कह दोगे कि रसायन शास्त्र में अधिक विचरण हो रहा है और गणित में सबसे कम विचरण हो रहा है, ठीक है ना, ये चीज आप दिखा दोगे, ठीक है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि भाई
विचरण गुणांक सी ग्रेटर देन विचरण गुणांक पी ग्रेटर देन विचरण गुणांक एम। ठीक है, तो यहां से क्या कह सकते हो भाई, अतः अतः गणित में सबसे कम और रसायन शास्त्र में सबसे अधिक विचरण हो रहा है, सब में सबसे अधिक विचरण हो रहा है। ठीक है, विचरण हो रहा है, ये आप बता। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, आपको दिया है 100 प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन क्रमशः 20 और 3 है। बाद में यह पाया गया कि 3 प्रेक्षण 21, 21 और 18 गलत थे। यदि गलत प्रेक्षण को हटा दिया जाए तो माध्य व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। कुछ ये आपको सवाल दिया है। ठीक है, सवाल बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 का पहला लगाया था, जहां पर वो कह रहा था कि अगर गलत प्रेक्षण 8 है और उसको हटा दिया जाए तो फिर माध्य मानक विचलन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में के पहले में अपन ने यही किया था। ठीक है, सेम उसी तरीके से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। कुल प्रेक्षण 100 दिए हैं, माध्य 20 दिए है, मानक विचलन 3 दिया। तो पहले बात करते हैं माध्य की। ठीक है, माध्य की अगर अपन बात करें तो एक्स बार बराबर कितना है, 20। अच्छा, सूत्र क्या होगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन, मतलब कुल पदों का योग बटे कुल पद है ना, सिग्मा एक्स अपॉन एन बराबर 20। तो यहां से सिग्मा एक्स की वैल्यू निकाल लो, एन का मान रखना है 100 बराबर 20, तो सिग्मा एक्स आ जाएगा, सिग्मा एक्स बराबर 20 गुणे 100, यानी कि सिग्मा एक्स की वैल्यू हो गई 2000। ठीक है, अभी क्या है उसमें, उसने ये कह रहा, सवाल आपसे ये कह रहा है कि 3 प्रेक्षण है 21, 21 और 18 जो कि गलत है और इनको अब हटा दिया जाता है। तो 21, 21 और 18 गलत प्रेक्षणों 21, 21, 18 को हटाने के बाद, हटाने पर इनको हटा देंगे तो यहां से सिग्मा एक्स क्या निकलेगा, फिर सिग्मा एक्स हो जाएगा 2000 में से आप हटा रहे हो 21, फिर 21 और 18। हटाने का मतलब ये चीज आप घटा दोगे, तो यहां से ये कर रहे हो आप 2000 माइनस का 60, तो ये हो जाएगी 1940। ठीक है, तो सिग्मा एक्स आ जाएगा 1940। अच्छा, आपने 3 पद हटाए, 21, 21, 18, कितने पद, ये तीन कुल पद 3 हो गए, तो यहां पर कुल पद हो जाएंगे, कुल पद एन की वैल्यू कितनी, पहले 100 थी, 3 पद हटा गए तो आप बचे कितने, 97 पद बचे। तो यहां से आप निकालोगे नया माध्य, ठीक है, नया माध्य एक्स बार, कैपिटल एक्स बार कह लेते हैं इसको। ठीक है, नया माध्य कैपिटल एक्स बार बराबर ये हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स निकाला आपने 90 40 अपॉन 97, तो यहां से एक्स बार की वैल्यू आ रही है 20। ठीक है, एक्स बार की वैल्यू 20 आ रही है, चेंज नहीं हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपन ने नया एक्स बार निकाल लिया जो कि अपन को कह रहा था। ठीक है, इसलिए नया माध्य हो गया 20, ये अपन को निकालने के लिए कह रहा था, ये निकाल दिया। फिर आते हैं मानक विचलन पे, तो मानक विचलन अपन को कितना दे रखा था भाई, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो कैसे कि सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया बराबर 3। आपको पता भाई, सिग्मा एक्स अपॉन एन की जगह पर एक्स बार रख सकते हैं, है ना, तो यहां ले रहे हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर, एन का मान रख रहे हैं 100 और माइनस यहां एक्स बार स्क्वायर और अंडर रूट है तो वर्गमूल को तब ले जाएंगे तो ये वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर आप 3 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आप ले रहे हो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एक्स बार का मान कितना, शुरुआत में 20 दिया था तो ये 20 वर्ग और ये हो जाएगा 9। तो यहाँ से आप ले रहे हो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 400 और ये हो गया 9। तो यहां से आप कह रहे हो भाई सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 बराबर 9 प्लस 400, तो यहां से आ गया 409। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 बराबर 409, 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर 409 गुणे 100। तो यहां आप ले रहे हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर 409 00, तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब वो कह रहा था प्रेक्षण में से 21 21 18 हटाना है। ठीक है, तो प्रेक्षणों 21 21 और 18 को
हटाने पर, ठीक है। अब यहां से प्रेक्षण को हटाते हैं तो ये कितना भाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर नया निकालोगे, और एक्स स्क्वायर है तो ध्यान रखना 21 का वर्ग 21 का वर्ग, 18 का वर्ग घटा दोगे, ठीक है। तो ये 40 900, इसमें से 21 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग माइनस 18 का वर्ग घटा दोगे, तो ये होगा 40 900 माइनस 441 माइनस 441 और माइनस 324, ठीक है। तो ये कुल वैल्यू बच रही है आपकी, ये तो हो गया 40 900, ठीक है, और ये आएगा 882, ठीक है, माइनस 324, तो ये हो जाएगा 1206 घटाओगे तो 40 900 में अपन 1206 घटा रहे हैं, तो ये बच रहा है 39694, ठीक है, 39694 आ जाएगा, ठीक है, 39694। ये हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिया। अभी निकालते हैं नया मानक विचलन, ठीक है ना, नया मानक विचलन। नया मानक विचलन की अगर मैं बात करूं, सिग्मा बराबर अंडर रूट ऑफ, यहां पर ले रहे हो आप सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस की सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना ले लेना है। तो यहां से कितना वैल्यू हो जाएगा, अभी आप एन का मान 97 रखोगे, इस बात को ध्यान रखना, नया मानक विचलन रखना है तो सब कुछ नए में रखोगे, कैसे कि यहां पर आप सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी रख रहे हो, 39694, और चूंकि तीन पद हटा दिए तो एन का मान रखोगे 97 माइनस यहां से ये वैल्यू रख रहे हो सिग्मा, ये एक्स बार, नया एक्स बार, तो कैपिटल एक्स ले लो अगर ज्यादा है तो, यहाँ पर कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये अंडर रूट में, तो यहां से ये 97 का भाग कर रहे हो तो ये हो रहा है 40 92, और नया एक्स बार भी 20 आया था, है ना, नया मान कितना आया था 20 आया, तो ये 20 का वर्ग और ये अंडर रूट, और ये 40 92 माइनस और 20 का वर्ग 400 हो जाएगा, तो यहां से आपने इसको घटाया तो ये वैल्यू हो रही है अच्छा 97 से डिवाइड कर रहे थे तो ये हो रहा था 409.2, ठीक है, यहाँ दशमलव आ रहा था 409.2 हो रहा था, अब 400 से घटा रहे तो ये हो रहा 9.2 अंडर रूट, तो नया मानक विचलन आ गया 3.03, ठीक है। तो यहाँ से आप कह रहे हो कि अतः नया मानक विचलन कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर 3.03, ठीक है, तो ये निकालना था, ये आपने दिखा दिया भाई, दो चीजें अपन को निकालने के लिए कह रहा था सवाल, दो चीजों में कौन कौन सा था, एक तो नया माध्य निकालना था जो 20 आ गया, एक आंसर ये हो गया, दूसरा नया मानक विचलन निकालने के लिए कह रहा था, तो ये हो जाएगा 3.03। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, उम्मीद है यदि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करने के साथ साथ चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो हमारे जो वीडियो आते हैं उनका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप कहेंगे कि सर ये क्लास नहीं हुई जबकि वो क्लास हो चुकी होगी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल जो हैं वो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाइए आप मुझे, आप हम लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस को, तो इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम ट्विटर इन सब जगह के लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, मुझसे कह सकते हैं। अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।